हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको साधारण से गिट्स के गुलाब जामुन को मावा बाटी में बताने वाली हूँ। मावा बाटी इसकी गुलाब जामुन की बताने वाली हूँ कैसे बनती है। इसके लिए ये मैंने गिट्स का पैकेट लिया गुलाब जामुन का, और ये केवड़ा में थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला है जिससे केसर लुक आए, ठीक है। ये कटिंग मिश्री है और ये मखाने भी है, मैं दोनों तरीके से बताऊँगी। और ये मैंने थोड़े से काजू और बादाम को क्रश करके रखा है, ठीक है। इस पाउडर में मेजरमेंट दिया हुआ रहता है कि कितना आपको पानी या दूध लेना है, और चाशनी के लिए कितनी शक्कर लेना है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। आज मैं इसको पानी से घोलने वाली हूँ, दूसरे भी आप लोग बना सकते हैं, इसको सॉफ्ट बनते हैं। थोड़े से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के टाइट टाइट इसको गूंथना है इस तरह से। एक बार में नहीं डालेंगे पानी, ये पतला हो जाएगा तो कोई चांस नहीं है उसको गाढ़ा करने का, लेकिन गाढ़े को पतला करने के चांसेस होते हैं। ये मैंने डो के इस तरह से बना के रख लिए हैं बराबर बराबर। 50 गुलाब जामुन ऐसे लिखा हुआ है कि 250 ग्राम में 50 गुलाब जामुन बनते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइज़ बनाते हैं। ये मुझे मावा बाटी बनाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा लिया है इस तरह से, ठीक है। इसमें हम ऐसे हथेलियों से ऐसे दबा दबा के इस तरह से कटोरी टाइप बना लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये जो मैंने लिया था केवड़ा का, इसमें आप या तो इसको ऐसे डुबो के इसको रख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ये जो बादाम और काजू का टुकड़े हैं, ये जो मैंने क्रश करके रखा था, ज़्यादा नहीं भरना है इस तरह से, और इसको इस तरह से पैक कर देना है, इसको गोल बना लेना है एकदम। ये जो मखाने हैं ना, ये वाले, ये गुलाब जामुन के अलग आते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तेल में जब हम लोग तलते हैं ना तो अंदर वो रस बन जाता है। ये थोड़े से हार्ड है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये लिया है, लेकिन ये गुलाब जामुन वाले नहीं हैं। गुलाब जामुन वाले इससे बड़े आते हैं और थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। और मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ मिश्री का, ठीक है। थोड़ा सा अंदर से भी गुलाब जामुन में मिठास आ जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये केवड़ा डाला, थोड़ा सा ये काजू बादाम का क्रश डाला, इसको हम लोग पैक कर लेंगे इस तरह से। एकदम स्लो रखना है, तेज बिल्कुल नहीं रखना है गुलाब जामुन में। और घी में भी तल सकते हैं, तेल में भी तल सकते हैं। ये दो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, इसको मैं छोड़ रही हूँ इसमें, और हल्का हल्का से इसमें ऐसे तेल डाल के इसको गोल गोल करना है ताकि एक तरह से ये काले नहीं हो जाए। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं ये गुलाब जामुन, और चाशनी में और फूलते जा रहे हैं ये, ठीक है। ये देखिए सबसे बड़ा हो गया ये चाशनी। आपको ये पैकेट के ऊपर जो है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। जैसे 250 ग्राम का ये है तो 750 ग्राम चीनी है उसमें, और 800 ग्राम पानी है। उसको जब तक पानी का थोड़ा सा असर ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको उसको बॉइल करना है, हल्का सा पतला ही रखते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको आपको काट के बता रही हूँ। ये देखिए बीच में से बहुत ही सॉफ्ट हुआ है एकदम, झटपट मावा बाटी बन जाएगी आपकी बीच में से। ये देखिए, ये देखिए आपका मावा बाटी तैयार है गिट्स के गुलाब जामुन के पैकेट की। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और आपको ये मेरा डिश पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।